A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by Garima Singh. तो आइए देखिए हमारा ये यूनिट टू का एक टॉपिक है लाप्लास इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्मूला है यूनिट टू का. तो ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू u, इसलिए लगा दिया गया है यहाँ पे u, जो वैल्यू आपको निकालनी है वो वैल्यू यहाँ पे आप रख देना. ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस यू वाई जीरो प्लस यू वाई वन माइनस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई माइनस वन यू प्लस वन यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई जीरो माइनस यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल की पावर 4 वाई माइनस टू. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जनरली क्वेश्चन जहां पूछे जाते हैं जो यही तक आपका फॉर्मूला यूज होता है डेल स्क्वायर वाई जीरो तक. तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग इनवर्स लाप्लास इनवर्स को इनवर्स भी बोल देते हैं इनवर्स फॉर्मूला इवेल्युएट F30 इफ F20 इज इक्वल टू दिस F28 इज इक्वल टू दिस F36 इज इक्वल टू दिस F44 इज इक्वल टू दिस. तो जो ऐसे लिखा हुआ है F30 मतलब ये x की वैल्यू गिवन है. F20 देखिए F20 28 36 और 44 ये x की वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड पे लिखा है, क्योंकि आपको पता है fx इज इक्वल टू y. ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है fx इज इक्वल टू y, मतलब f के साथ जो वैल्यू लिखी है वो x की है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है वो y की वैल्यू है. तो x की लिख दी y की लिख दी. अब u हमको सेलेक्ट करना होता है तो मिडिल वैल्यू में हम 0 लिख लेते हैं. अब यहाँ पे 4 ही वैल्यूज है तो क्या करें, तो हमने नीचे की एक छोड़ दी ऊपर की एक छोड़ दिया, बीच की दो वैल्यू बची तो हमने ऊपर वाली वैल्यू के सामने यहाँ पे 0 लिख दिया. 0 से ऊपर -1 -2 -3 होता है, नीचे 1 2 3 होता है. तो नीचे दो नंबर है 0 के तो 1 और 2 लिख दिया यू वाले कॉलम में और ऊपर हमने -1 लिख दिया. डेल वाई कैसे निकालते हैं, वाई वाले कॉलम से सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करा 308 आ गया, फिर थर्ड वाली वैल्यू से सेकेंड वैल्यू माइनस करी 3926 आ गया, फिर फोर्थ वैल्यू से थर्ड वैल्यू माइनस करी 896 आ गया. डेल स्क्वायर वाई निकालने के लिए डेल वाई वाला कॉलम यूज करेंगे, सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो 3618 आएगा और थर्ड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू से सेकेंड वैल्यू माइनस करेंगे तो -3030 आ जाएगा. फिर डेल क्यूब वाई वाले हम तब तक निकालते जाते हैं जब तक किस लास्ट कॉलम में 1 वैल्यू बचनी चाहिए बस, तो हम तब तक निकालते जाएंगे जब तक 1 वैल्यू ना बचे. तो फिर हमने डेल क्यू वाई निकाला तो सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करी तो हमें मिल गया -6648. तो यहां तक की वैल्यूज हमको मिल गई. अब हम देखेंगे कि फॉर्मूले में हमें किन किन चीजों की जरूरत है. तो सबसे पहले तो यू की जरूरत है. यू का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच. एक्स इवेल्युएट क्या करना, F30, तो x की वैल्यू क्या गिवन है 30, 30 लिख दी. X0 क्या होता है, u वाले कॉलम में 0 जहां होता है वहां पे उसके सामने जो x की वैल्यू होती है वो X0 होती है और उसके सामने जो y की वैल्यू होती है वो Y0 होती है. तो X0 आपकी हो गई 28, Y0 है 3162, यहां पे भी हमने मेंशन कर दी है. h क्या है आपकी, एक्स की जो वैल्यू होती है उनके बीच का डिफरेंस. जैसे सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करोगे तो 8 आएगा, थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू माइनस करोगे तो भी 8 आएगा और फोर्थ वैल्यू से थर्ड वैल्यू माइनस करोगे तो भी 8 आएगा. तो एच की वैल्यू आपकी 8 है तो 2/8 को जब सॉल्व करोगे तो 0.25 आ जाएगा. तो ये आ गई आपकी यू की वैल्यू. X0 Y0 बता दी. Y1 कैसे ढूंढते हैं, वाई वाले कॉलम में. अब Y1 कौन सा होगा, यू में 1 कहां लिखा है, थर्ड प्लेस पे, तो वाई वाले कॉलम में भी थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू लिखी होगी वो हमारी कौन सी होगी, Y1 की वैल्यू. तो 7088 यहां लिख दिया. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की. तो डेल स्क्वायर वाले कॉलम में आ जाए,
अब यू वाले कॉलम में सबसे ऊपर वैल्यू किसकी है, माइनस वन फिर जीरो, तो मतलब हर एक कॉलम में सबसे ऊपर जो वैल्यू होगी वो माइनस वन की होगी, फिर जीरो की होगी, फिर वन की होगी, फिर टू की होगी, इस तरीके से होगी। तो डेल स्क्वायर वाई की कॉलम में सबसे पहली वाली वैल्यू किसकी होगी, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की, और दूसरी वैल्यू होगी डेल स्क्वायर वाई जीरो की। उसके बाद डेल क्यूब इस वाले फॉर्मूले में है ही नहीं, तो यहां तक का ही फॉर्मूला हमारा इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जब पुट कर देंगे यू की, वाई जीरो वाई वन डेल स्क्वायर वाई माइनस वन और डेल स्क्वायर वाई जीरो की, तो सबको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा वाई थर्टी इज इक्वल टू फोर जीरो सिक्स फोर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।